अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो आज मैं जी आपके साथ कोई कुकिंग नहीं शेयर कर रही, ना ही कोई घर की एक्टिविटी होगी। ये है सारा ट्रैवलिंग व्लॉग। और हम लोग जा रहे थे नारान कागान, तो बस उसी के मैंने जो है वो साथ साथ क्लिप्स बनाए जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये है जी इस्लामाबाद मोटरवे, हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में ये जो है पहाड़ आए, तो उस वक्त जो है मैंने ये थोड़े से क्लिप लिए थे। फिर उसके बाद इस्लामाबाद से आगे हम लोगों ने जाना था नारान कागान, तो रास्ते में ये मानसेरा बालाकोट वगैरह जो है वो एरियाज़ थे। तो बहुत खूबसूरत सफ़र था, बहुत हसीन। कहीं किसी जगह पे बारिश हो रही थी, किसी जगह पे खुश्क था, तो बादल बिल्कुल नज़दीक नज़दीक थे। बहुत ही अच्छा मौसम था, तो हम सब बड़ा इंजॉय कर रहे थे। तो बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, कहीं कहीं बादल आ जाते थे और कहीं कहीं बिल्कुल जो है वो खुश्क हो जाता था। यहाँ पे देखें ये मौसम इतना खूबसूरत है, इधर इतना प्यारा मौसम था। बहुत ही हमने जो है इस सफ़र को एंजॉय किया था। रास्ते में हम लोग जगह जगह रुकते गए, स्टे करते गए। और ये देखें ये कितनी खूबसूरत जो है वो सीनरी है। यहाँ तक तो स्टिल थी जी बारिश, अब आगे जो है यहाँ पे बारिश नहीं थी, तो बस बादल बादल थे। मौसम यह है कि बहुत अच्छा था। ये देखें ऊपर बादल आपको नज़र आ रहे होंगे, बादल जो है वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक थे। ये देखें जी इतना खूबसूरत ये व्यू है कि बहुत खूबसूरती है हमारे पाकिस्तान में। अब ये आ गया है जी है टनल व्यू, तो इसके अंदर से जब गुजर रहे थे बड़ा खौफ आ रहा था। ये देखें बिल्कुल अब अंधेरा हो गया, तो ये तकरीबन रास्ते में टनल जो है वो तीन आई थी, तो पहली पे थोड़ा जो है वो ज़्यादा फील हो रहा था, फिर दूसरी पे ठीक हो गया था। पहली थोड़ी बड़ी थी, दूसरी वाली भी तीन ही थी, तीसरी वाली जो है थी वो बहुत लंबी थी टनल। ये देखें जी ये मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट और वीडियो तेज़ की हुई है, वरना ये 5-6 मिनट तो लग ही जाते थे इसके अंदर से गुजरने के लिए। ये आ गई जी हमारी सेकंड टनल। इसके अंदर जो है वो लाइटिंग थी, ये देखें जी साथ आगे पीछे। ये देखें व्यू इतना खूबसूरत है कि, और मौसम बहुत अच्छा है। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों की छुट्टियां थी तो बस अब स्कूल स्टार्ट हो जाने थे, तो इसलिए हम लोगों ने ये एक चक्कर लगा लिया। हमें काफ़ी दिन हो गए लेकिन वीडियो जो है वो एडिट नहीं कर सकी, व्लॉग नहीं बना सकी। बस जब वापस आए फिर बच्चों के थोड़ी तबीयतें अपसेट होंगी, इस वजह से फिर जो है वो ये व्लॉग बहुत ही लेट हो गया। अब वहाँ ये देखें जी बादल कितने नज़दीक हैं हमारे, बहुत ही प्यारा मौसम है। अब एक और आ गई है जी टनल, ये देखें जी
अब यहाँ पे भी पीछे पहले बारिश थी, फिर आगे यहाँ पे भी बारिश रुक गई थी और यहाँ पे बहुत गहरे बादल थे। ये यहाँ पे जो है वो आबशार थी, वहाँ पे हम उतरे और बस कुछ पिक्स वगैरह ली। तो ये देखें जी, अब ये था दरिया, दरिया को नार, और इसको हमने क्रॉस करके तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर हमने स्टे किया, तस्वीरें वगैरह बनाई, कुछ देर कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह की। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग वापस आगे को निकल गए। ये देखें जी, बादल बिल्कुल जो है वो हमारे साथ साथ हैं। यहाँ पे भी जो है मौसम ऐसा ही था, किसी जगह पे बारिश और किसी जगह पे बिल्कुल जो है वो ड्राई हो गया था। ये देखें जी, हम लोगों ने जाना था नारान कागान, फिर वहाँ पे एक दिन का हमारा स्टे हुआ, फिर उसके बाद आगे हम लोग अगले दिन जो है वो बाबूसर टॉप के लिए निकल गए, फिर वहाँ पे गए। तो ये उसी का ही क्लिप है, बाबूसर टॉप जाते हुए ना रास्ते में ये जो बर्फ़ के जो ग्लेशियर्स थे, ये वाले, ये देखें, ये उन्होंने अपने फ्रिज बनाए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह जो है वो जूसेस वगैरह रख के ठंडे कर रहे थे। ये देखें जी, यहाँ पे ये भी इतनी खूबसूरत सीनरी थी, तो बहुत प्यारे व्यू थे। फिर यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी ये जगह बनाई हुई थी, तो यहाँ पे भी रुक गए थे हम लोग थोड़ी देर, हमने पिक्स वगैरह बनाई बच्चों ने। तो फिर जो है वो बच्चों ने तो बहुत ही एंजॉय किया था। बर्फ़ को इतना अच्छा उन्होंने ये काट काट के ऐसे सीट बनाई हुई थी, और यहाँ पे बैठ के तो फिर वो अपने चार्जेस ले लेते थे। बाबूसर टॉप पे जब हम लोग गए वहाँ पे, तो मतलब थोड़ा ऑक्सीजन का हो जाता है इशू, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे कोई ऐसे क्लिप वगैरह तो नहीं बनाए मैंने, तो लेकिन ये है कि रास्ते में आते जाते जो क्लिप ले सकी हूँ, जो बना सकी हूँ, वही आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे तो कहीं पे धूप आ जाती थी और कहीं पे मौसम थोड़ा सा बादल बादल वाले आ जाते थे। अब ये अगले दिन फिर हम लोग जी नारायण कागान आ गए बाबूसर टॉप से होके, फिर उससे अगले दिन हम लोग ये गए झील से फिल्मडूक। तो ये सारा उसका व्यू है, उसके रास्ते में जो है वो मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर सकी, तो रास्ता जो है उसका बड़ा डेंजरस सा था, तो इसमें कोई नहीं। लेकिन ये है कि हम लोगों ने फिर बोटिंग वगैरह की, इसकी सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देखें जी, और बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।